हेलो। हेलो। या अच्छा, मैं ये बता रहा था मैम कि मैंने एक गीता बनाया है। ओके इसमें जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने डेटा को नॉर्मली, तो ये पेस्ट स्पेशल का फंक्शन है जिसको मैं एलैबोरेट करूंगा आज। मोस्टली इसका यूज हम कब करते हैं, जब जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है जी। इसको अगर मैं कॉपी करके इन वैल्यूज को पेस्ट करता हूँ, ये अपने ऊपर वाले का रेफरेंस दे रहा है, 0 0 में आप देख रहे होंगे। तो मतलब हाँ जो जी वैल्यू दिख रही है वो ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आई है। तो जो दिख रहा है उसको लाने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में जब हम जाते हैं तो हम लोग मोस्टली इस एरर के लिए वैल्यूज का यूज करते हैं, ठीक है जी। वैल्यूज में क्या होता है, फॉर्मूला रिमूव हो जाता है पर वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मेरे साथ गड़बड़ हुई है, डेट की जगह कुछ नंबर्स आ गए हैं, ठीक है जी। पेस्ट स्पेशल अगर आप डेट के साथ या नंबर फॉर्मेटिंग के साथ, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स में जो है डबल डेसिमल पोजीशन तक है, बट यहाँ पे सिंगल डेसिमल पोजीशन में आया है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है जिसको हम नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, या डेसिमल के जो है डबल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, डबल डेसिमल पोजीशंस जो दिख रही हैं, इनको हम नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं या डेट की फॉर्मेटिंग जो भी होती है। तो नंबर फॉर्मेटिंग असल में होती क्या है, हमारे पास होम टैब के पास यहाँ पे एक नंबर का टैब होता है, ये ऑप्शन होता है, उसको जब क्लिक करते हैं तो ये आपने मोस्टली देखा होगा डेट टाइम सेटिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कभी कभार, तो इसको कहते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। जब हम कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं तो ये नंबर फॉर्मेटिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये जनरल फॉर्मेट में आ जाता है आपके। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा वैल्यूज पेस्ट हो, मतलब फॉर्मूले नहीं पेस्ट होने चाहिए, वैल्यूज पेस्ट होने चाहिए, बट साथ में नंबर फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन है इसमें, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो आपकी नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में कॉपी होती है, डेट का जो है वो डेट के फॉर्मेट में हुआ, नंबर है जो वो नंबर के फॉर्मेट में हुआ एक्चुअल, ठीक है जी। दूसरी चीज देखेंगे कि जब भी हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो बार बार हमें कॉलम सेटिंग उसकी करनी पड़ती है। जब छोटा मोटा डेटा है तो हम तो कर लेंगे, यहां से ठीक ठाक कर लेंगे इधर से, पर थोड़ा सा बड़ा डेटा होता है तो उसमें थोड़ा ये काम फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉपी करेंगे, अपने एरिया पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप कॉलम विड्थ भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम
कॉलम विड्थ का मतलब है कॉलम की जितनी भी सेटिंग होगी विड्थ की वो आपकी यहाँ पेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो बार बार आपको कॉलम नहीं सेट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। आप इसमें कॉपी पेस्ट के साथ साथ जैसे पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पहला ऑप्शन जो है वो सब कुछ पेस्ट करता है इसके हर एक पार्ट को, बट इसमें जो हमारे पास आप देख रहे हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं, अगर आप उनको अलग अलग करना चाहते हैं जैसे फॉर्मूले करना चाहते हैं खाली, तो फॉर्मूले पेस्ट हो जाएंगे। अगर इस सेल में फॉर्मूले की जगह वैल्यू हुई तो वैल्यू भी पेस्ट होगी, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ वैल्यू ही पेस्ट है, बाकी नीचे फॉर्मूले पेस्ट है। तो इसमें और पेस्ट ऑल में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला मेन होता है, आपका फॉर्मूला लॉस्ट नहीं होगा, और इसमें वैल्यू होती है जो आपको दिख रहा है ऊपर वो वैल्यू दिखाई देगी। इन दोनों में अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग साथ में चाहिए तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इन नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू इन नंबर फॉर्मेट के दो ऑप्शन है। इसके साथ ही मैंने बताया कि आपको अगर कॉलम सेटिंग चाहिए तो कॉलम विड्थ आप पेस्ट कर सकते हैं, तो कॉलम की जो सेटिंग है ये वाली सेटिंग है विड्थ की, ये पेस्ट होती है। इसके बाद आगे वाले ऑप्शंस में चलते हैं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर को छोड़ के सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। ये जो बॉर्डर स्पेशल आपने मैंने डार्क कर रखे हैं ये आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। इसके अलावा अब चलिए हम पेस्ट एज वैल्यूज कर लेते हैं, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, या सिंपल वैल्यूज भी कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, हमें नंबर फॉर्मेटिंग तो चाहिए, साथ में एक कलर कोडिंग भी चाहिए, बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए। देखिए नंबर फॉर्मेटिंग एक सेपरेट फॉर्मेटिंग है, अगर आपको सेपरेट फॉर्मेटिंग या नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट के साथ आपका काम चल जाता है, बट आपको कलर भी चाहिए और अंदर का फॉर्मूला नहीं चाहिए इसके, तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट्स कॉपी कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट्स हैं इंक्लूड कलर बोल्ड इटैलिक के साथ साथ नंबर फॉर्मेट भी इस फॉर्मेट्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो नंबर फॉर्मेट प्लस कलर कॉम्बिनेशन या बोल्ड इटैलिक जो भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन सारी एज इट इज पेस्ट हो जाती है। फर्क क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कुछ नहीं। साथ ही के साथ मेरे को चाहिए कि कॉलम विड्थ भी साथ में कर लूँ, तो ये सारी चीजें मैं एक क्लिक पे आराम से कर सकता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, पेस्ट स्पेशल में देखेंगे आप। एक ऑप्शन होता है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको बता देता हूँ, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इसमें आपको इसमें उसमें आपको कोई फर्क नहीं है, बट सोर्स थीम का मतलब क्या होता है, थीम सम लोग एक्सेल में यूज नहीं करते, थीम सम यूज करते हैं पावर पॉइंट में। तो आपने यहाँ पे कोई अलग से थीम ले रखी है, मान लीजिए ये थीम दे रखी है, इसको किसी नई शीट में पेस्ट करेंगे तो एक्चुअल कलर कॉम्बिनेशन अलग है, थीम का अलग है, तो यूजिंग सोर्स थीम वो नेक्स्ट शीट पे पेस्ट करने के लिए आपको काम आता है, हालांकि इसको कोई यूज नहीं करता, आपके एक्सेल में ये ऑप्शन यूज ही नहीं किया जाता कभी भी नहीं। ठीक है जी, इसके अलावा आपने कोई अपने डेटा पे कमेंट लिख रखे हैं, बड़े बड़े कमेंट लिख रखे हैं, आप इनको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे कमेंट हैं आपके, तो अगर आपको ये कमेंट भी कॉपी करने हो, सिर्फ कमेंट ही कॉपी करने हो, तो आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके कमेंट को पेस्ट कर सकती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं वैलिडेशन। जब भी वैलिडेशन का चैप्टर आएगा तब हम वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूं कि वैलिडेशन एक्चुअल में यूज कैसे होता है, हम वैलिडेशन भी पेस्ट कर सकते हैं सिंपल। डेटा वैलिडेशन को मैं एक वैलिडेशन लगा लेता हूँ, वैलिडेशन बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस होती है हमारी शीट के ऊपर,
कि हम चाहते हैं कि यूजर उसके अलावा कुछ और एंटर कर ही ना पाए। अगर मैं इसमें कुछ और एंटर करना चाहूं तो नहीं कर सकता, मुझे एरर देगा। हमें इस लिस्ट में से इसमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी एंट्री करने देगा। तो ये ऐसी तरह की जब हम रिस्ट्रिक्शंस बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं तो इनको किसी और सेल पे हमें डालना पड़ता है। तो हम ये पेस्ट स्पेशल के जरिए कॉपी करके पेस्ट वैलिडेशन के जरिए डाल सकते हैं। तो इन सारी सेलों पे आपके ये आपकी वैलिडेशन आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ कैलकुलेशन ऑप्शंस की तरफ। अब देखिए मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, सेल्स का डेटा मान लीजिए। आपके साथ ऑफिस में एक आती है, आपने एक लिस्ट बनाई इसी तरह से सेल्स की, और आपको इनके आगे ये नंबर ऐड करने हैं। ठीक है जी, सिंपल टास्क है, ज्यादा भारी नहीं है, पर ये जब लंबी चौड़ी लिस्ट हो तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरल यूजर्स क्या करते हैं, मुझे ये डेटा इसमें ऐड करना है। तो नॉर्मल यूजर क्या करेंगे, इक्वल टू दबा के इसमें इससे प्लस करेंगे और इसको ले लेंगे साथ में दोनों सेल्स को और टोटल कर देंगे। अब जहां ब्लैंक है वहां तो जीरो एज्यूम करके वो वही वैल्यू दे दे। तो हम इसको यहां से इधर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, हमारा काम तो हो गया। पर जब हमें पेस्ट ही करना है तो इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। आप इसको कॉपी कीजिए यहां से सिंपल, सामने उतना ही बड़ा एरिया सिलेक्ट कीजिए जितना आपने सिलेक्शन लिया, और पेस्ट स्पेशल पे आ जाइए। इसके अंदर आपका ऑपरेशंस का टैब होता है ये। अब जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कॉपीड वाला पार्ट है आपका, आपके डेटा के सामने सामने वाली सेल पे प्लस कर देगा। 33 का हो जाएगा आपका 46, 70 का हो जाएगा 83, इसी तरह से आगे भी चेंज हो गया। अब बात करते हैं, ये जो लिस्ट थी आपकी, आपने की एंट्री हो गई गलत कुछ उसमें। अब बात एडिशन की नहीं है, बात है रिप्लेसमेंट की। मतलब जहां ये 46 है मैं यहाँ पे 45 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, 83 है वहां 13 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, 114 है इसको मैं 45 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है तो ये काम फंस जाएगा या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्या करते हैं लोग इसके लिए, इसके लिए नॉर्मल लोग वैसे कुछ नहीं करते, जिनको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जब ये इक्वल टू, फॉर्मूला की ट्रेनिंग आपको अलग से दी जाएगी, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि इसको करते कैसे, कि जब ये इक्वल टू ब्लैंक हो तो क्या करना है, यही वैल्यू ले लेनी है, और अगर नहीं तो ये वैल्यू ले लेनी है। तो इसमें कुछ हद तक हमारा काम हो जाता है। देखिए वो रिप्लेसमेंट वाला फंडा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, जहां इधर वैल्यू है वहां यही लेगा और जहां नहीं है वो ये वाली लेगा। अब इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल यूजर्स को आता नहीं है, और दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला है। अब ऐसा कोई टास्क हमें करना हो, अगर हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कॉपी करके इस पे पेस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है, ये ब्लैंक वाला पार्ट है और ये यहाँ पे पेस्ट हो जा रहा है। तो मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए कि ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो यहाँ पेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमारे पास पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक्स का कॉलम है।
स्किप ब्लैंक्स पे जब मैं इस ऑप्शन को चेक कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये डेटा रिप्लेस हो जाता है, आपकी ये वाली वैल्यूज कॉपी नहीं होती इधर, बाकी जो ये वाली जो आपकी फील्ड वैल्यू है वही खाली कॉपी होती है। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं और कुछ कैलकुलेशंस पे, बिकॉज ऑपरेशन टैब में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चार ऑप्शन है। देखिए सब्सट्रैक्शन का जहां है वो आप कर सकते हैं, एडिशन की तरह ही इनके भी काम हो, मल्टीप्लाई का भी सिंपल है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का यूज किसी अच्छी जगह करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स है हमारे पास, सेल्स का डाटा हम यूज कर रहे हैं तो टारगेट भी होंगे, तो हमारा एक टारगेट है 200 का। अब मुझे निकालनी है अचीवमेंट परसेंटेज कि कौन सी सेल इसके अगेंस्ट कितनी परसेंटेज एग्जिस्ट करती है। मैं क्या करूंगा, ये 200 को मैंने टाइप कर लिया, इसको कॉपी किया, इसको सिलेक्ट किया मैंने ओल्ड डेटा को, पेस्ट स्पेशल पे गया, डिवाइड पे गया, यहाँ ओके किया, ये सारा डेटा डिवाइड हो गया। अब सेल को टारगेट से डिवाइड करने के बाद क्या लगाते हैं, परसेंटेज। तो 200 के अगेंस्ट जो जो वैल्यू अपने परसेंटेज रख रही थी वो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेड हो गई। ठीक है जी, तो एक से ही आपने तुरंत डिवाइड कर दिया। इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं जैसे आपको अगर कभी फाइनेंशियल डेटा हैंडल करते हैं तो कंपनीज में चाहिए होता है वैल्यू इन करोड़, वैल्यू इन लाख, वैल्यू इन थाउजेंड, इस तरह से पॉइंट वाली वैल्यू आपको चाहिए होती है। तो अगर आपके पास छोटा मोटा डेटा है तो आप हाथ से करना वो भी भारी है इसमें, मान लीजिए इतने में पूरे में डेटा है तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक सैंपल के तौर पे कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास 9 लाख से लेकर मैं 10 लाख के बीच की रैंडम वैल्यूज दे रहे। अब मान लीजिए ये डेटा है, अब मुझे वैल्यू इन लाख दिखानी है, कैसे दिखाऊंगा इसको, इसकी कैलकुलेशन करते करते तो पागल हो जाएगा इंसान। तो इसका सिंपल वे है, आप जितने से जितने में पॉइंट में चाहिए आप उतना यहाँ पे एक बार लिख लीजिए। 1 लाख लिखा मैंने, इसको कॉपी किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल पे गया एंड डिवाइड, इसको मैं वैल्यू को पॉइंट डिग्रेड कर देता हूँ। तो ये रहा आपका वैल्यू इन लाख। ठीक है, इसी तरह से 1 करोड़ टाइप करके डिवाइड कर देंगे, 1 करोड़ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ आपके टास्क जो है बहुत इजी हो जाएंगे अगर आप इनके पेस्ट स्पेशल के स्मार्ट फीचर्स यूज करते हैं। बाकी और देखते हैं, जब हम टारगेट की बात कर रहे थे टारगेट प्रैक्टिकल पे आते हैं कि टारगेट भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी, अब टारगेट हमारे अलग अलग हैं, 150 से लेकर 200, 150 से लेकर 200 तक मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कोई भी टारगेट, सब में अलग अलग, तो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग टारगेट है मान लीजिए। अब इनकी अचीवमेंट परसेंटेज हमें चाहिए, यहाँ पे चाहिए अचीवमेंट परसेंटेज। ठीक है जी, कॉपी करके नॉर्मल वैल्यू रखी। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से पूरा डेटा टारगेट सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है उतना ही डेटा, और वही अपना डिवाइड करना है। आप सिंगल सेल को अगर कॉपी करते हैं तो ये सिंगल से सबको डिवाइड करेगा, अगर ऐसे रेंज लेते हैं और उसके बराबर की ही रेंज चूज करते हैं तो अपने सामने सामने वाली में डिवाइड करता है। ठीक है जी, ये आप एक झटके में दिखा सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास डे वाइज सेल्स है अलग अलग,
और डे वाइज टारगेट है, और डे वाइज अचीवमेंट भी मान लीजिए डे वाइज ही है। तो इस केस में भी क्या होगा, आप रोज एंड कॉलम्स का डेटा जिस तरह से सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से उसको डिवाइड भी करवा सकते हैं। जैसे टारगेट का ये कॉपी किया मैंने, इन दोनों में ऐसे ही डेटा सिलेक्ट किया, अब ये वाला डेटा इस वाले से डिवाइड होगा और इधर वाला डेटा इस वाले से डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो आप डिवाइड के ऑप्शन से डिवाइड किया, परसेंटेज में चेंज कर दिया, कितना भी डेटा है आप, मतलब आप डेटा से खेल सकते हैं इन ऑप्शंस के जरिए, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं लिंकिंग, आप लोगों ने किया होगा कभी लिंकिंग। लिंकिंग में क्या होता है, हम इक्वल टू दबा के किसी सेल का लिंक देते हैं, दिया, अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे तक, ड्रैग करेंगे। लिंकिंग में क्या होता है, जो भी हम वैल्यू देते हैं अगर हम उसकी बेस वैल्यू इसको चेंज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ प्रदीप किया तो यहाँ पे भी प्रदीप में चेंज आपको दिखा देगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे लिंक्ड है। बट आपके पास छोटा डेटा है, कितना ड्रैग करना है ये आपको मालूम पड़ जाता है। ज्यादा लंबे चौड़े डेटा में से आपको कुछ पार्शियल डेटा कॉपी करना पड़ता है, सपोज इतना करना पड़ा, कहीं इतना करना पड़ा, छोटा छोटा डेटा करना पड़ा, तो ड्रैगिंग ड्रॉप ड्रैगिंग वाला ऑप्शन जो है सुटेबल नहीं रहता। अब मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, मुझे इतना डेटा लिंक करना है, मैंने क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में चला गया और यहाँ पे पेस्ट लिंक कर दिया, ठीक है जी। फॉर्मेट भी ऐसा ही चाहिए, फॉर्मेट कॉपी कर दीजिए, ठीक है जी। कॉलम विड्थ भी कॉपी कर दी मैंने, डेटा फॉर्मेट हो गया और लिंक्ड है। जैसे मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे भी चेंजेस आपको दिखते हैं, यहाँ पे भी कोई चेंज करता हूँ यहाँ पे आपको चेंजेस दिखते हैं। चलिए, अब ये तो लिंकिंग हो गई, हम लोग पहले ऐसे करते थे लिंकिंग, इनसे काफी काम हो जाते थे, पर आजकल जमाना है डैशबोर्ड वगैरह आ गए, अब जिसके लिए हम डैशबोर्ड बना रहे हैं कई बार हमारे पास स्क्रीन जो है लिमिटेड है, अब वही हमें सारी कंपनी का डेटा दिखाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इतना स्पेस है, अब बाकी आप सेट करेंगे जैसे मर्जी करेंगे, पर इतना स्पेस है मान लीजिए, ठीक है जी। अब इसमें आपको यही डेटा दिखाना है, अब वर्ड में तो आप छोटा बड़ा कर लेते हैं, इसमें सेल कैसे छोटे बड़े करेंगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट के बटन पे ही आ जाइए, नीचे आएंगे पेस्ट स्पेशल के भी नीचे आपको मिलेगा एज पिक्चर, तो आप इसमें करेंगे पेस्ट एज पिक्चर, तो पेस्ट एज पिक्चर जो है आपका डेटा, पिक्चर है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने इसमें ग्रिड लाइन ऑफ कर दिया तो नॉर्मली आपको पता भी नहीं पड़ेगा कौन सी पिक्चर है कौन सा डेटा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, हमने बना तो लिया, पावर पॉइंट तक चल गया, अब यहाँ हमने चेंज किया तो यहाँ तो डेटा चेंज नहीं हुआ, तो डैशबोर्ड वाला लिंकिंग वाला प्रोसीजर फेल हो गया। इसके लिए क्या करना है, हमें आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट के इसी लिंक पे आ जाइए, पेस्ट एज पिक्चर, नीचे आ जाइए पेस्ट पिक्चर लिंक। पेस्ट पिक्चर लिंक आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इस पिक्चर को बड़ा छोटा तो कर ही सकते हैं, कोई चेंजेस आता है तो वो भी आपको इमीडिएट दिखाता है, इनफैक्ट कोई अगर इसमें कलर भी चेंजेस होता है तो आपको डायरेक्ट दिखाता है, लाइव दिखाता है, ठीक है जी। तो ये स्पेशल टाइप की पिक्चर्स है, ऐसी एक्सेल में ही होती हैं खाली, ठीक है जी। इनके अकॉर्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सर ये था हमारा आज का पेस्ट स्पेशल का सेक्शन, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल हमारे पास एक्सेल की सेटिंग के बारे में जानेंगे और भी बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत जरूरी होते हैं। आप लोगों ने सेटिंग्स देखी होंगी,
आमतौर पे ये सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि पूरा एक्सेल हमारा इसी से चलता है। कई बार छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है तो हमें मालूम नहीं पड़ता कहाँ से ठीक करनी है, तो वो कल आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। ठीक है जी, तो बाकी आज के लिए सेशन मैं ऑफ करता हूँ। आप सबको जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कल शाम तक आपकी ईमेल आईडी पे ही आपको लिंक मिल जाएंगे। आपकी रिकॉर्डिंग जो है आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, आपको यूट्यूब डाउनलोडर के थ्रू उसको डाउनलोड करना होगा। मान लीजिए कोई भी इसमें जो होती है वीडियो, आप इसको यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, ऊपर से यूआरएल कॉपी कर लेंगे और एक साइट है कीप विड के नाम से, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कीप विड पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए जावा डाउनलोड करना पड़ता है कई जगह, जावा आपके सिस्टम पे अगर नहीं है तो ये एक येलो लाइन यहाँ दिखाएगा। आपने क्या करना है, ऐसे लिंक को यहाँ पेस्ट करना, इस डाउनलोड के बटन को दबाना है जो मैं यहाँ पे देखा, इनको मत दबाइएगा, ये खाली मतलब लुभावने लिंक होते हैं कुछ और डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है जी, सही इंस्टॉल प्रेस करोगे या डाउनलोड? ये आपको डाउनलोड, इन सारे लिंक को, ये डाउनलोड और ये दोनों को, इनको नहीं छूना है किसी को भी। ठीक है जी, किसको नहीं टच करना सर? इनको इनको, ये डाउनलोड इंस्टॉल, ये रेगुलर डाउनलोड, प्रीमियम डाउनलोड, इनको मत टच कीजिएगा। खाली आपको हाँ यहाँ पेस्ट करके ये वाला डाउनलोड जहाँ मेरा कर्सर है माउस का, देखिए, ठीक है जी, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके अगर जावा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो इस तरह से इंस्टॉल प्लगइन का वो बोलेगा, तो ये एक बार आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार इसको कर लेंगे तो आपकी जावा वाली साइटें जो हैं वो चलेंगी इसमें और आपके लिंक आ जाएगा आगे से। लिंक कर मेल कर देंगे क्या? हाँ, मैं ये लिंक जो है यूआरएल जो है वो मैं आपको मेल करा करूंगा डेली के डेली, वो वैसे नहीं खुलेगा। और सर जो भी आपने आज पढ़ाया उसका सीडी मिल जाएगा? उसका रिकॉर्डिंग